लॉकडाउन के दौरान बिलासपुर के साथ लगते मंडी मानवा गांव के दो नन्हे बच्चों ने ऐसा करिश्मा कर दिखाया कि इनकी इस कलाकारी से सभी हैरान हो गए हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मंडी मानवता की, जहां पर दो बच्चों ने मिलकर घर पर पड़े पत्ते बेस्ड मटेरियल से घर पर खेलने के लिए ऐसी गाड़ियों को तैयार कर दिया है। इनकी कलाकारी से सभी हैरान हो गए हैं और इनके द्वारा बनाई गई गाड़ियों की काफी प्रशंसा हो रही है और लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को खेलने के लिए डिमांड भी कर रहे हैं। ये दो बच्चे अभी तक काफी तरह की गाड़ियों को बना चुके हैं और अपने दोस्तों को दे चुके हैं। आपको बता दें कि लॉकडाउन के चलते स्कूल बंद होने के चलते इन बच्चों ने घर पर ऑनलाइन पढ़ाई के साथ ये करिश्मा भी कर दिखाया, जिससे घर वाले भी काफी हैरान हो गए। बच्चों के माता पिता का कहना है कि वो बच्चों को खूब पढ़ाना चाहते हैं ताकि बड़े होकर बच्चे अपने मुकाम तक पहुंच सकें। एक बच्चे के पिता तो कारोबार से ट्रक ड्राइवर हैं और ट्रक से ही परिवार का पालन पोषण करते हैं। उनका कहना है कि बेटे को गाड़ी का काफी शौक और कुछ न कुछ करता रहता है, लेकिन आजकल स्कूल बंद होने पर उसने ऐसा कर दिखाया कि सभी हैरान हैं। उसके द्वारा बनाई गई गाड़ियां ऐसा लगता है कि कोई सच की गाड़ी है जो उसने बना डाली हो। इनके इस कर्तव्य से और गाड़ियों के डिजाइन से सभी लोग हैरान हो गए हैं। मेरे पापा का नाम संजय कुमार है और मेरे पापा ड्राइवर है और मैं 9th क्लास में पढ़ता हूँ और मैं मंडी मान में रहता हूँ। जब मैं छोटा था तब मैं मेरे पापा लाए थे मेरे को गाड़ी, वो उन्होंने किसी को दे दी थी ना, तब मैंने बोला कि अब मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है, तब मैं इसको लगा था मैंने टेप रोल का और गोंद का जो ये गत्ते की पेटी का है दुकान से। नहीं, ये भाई है मेरा, वो थोड़ी सेल्फ करा देता है और एक दिन में गाड़ी तैयार कर देता हूँ। आपने 3 गाड़ी बेच दी है मैंने। क्या क्या बेचा है बना के? एक JCP ट्रैक्टर, एक ट्रक, मैंने एक टाटा की गाड़ी बनाई है, एक अशोक लेलैंड की। नाम संजय कुमार है, मैं ट्रक ड्राइवर हूँ और इसका दिमाग जो है वो अच्छे तरीके से चला हुआ है। इन गाड़ियों के जैसे ये देखता है उसी का जो नुक्ता उतार लेता है अपने दिमाग में और बना भी रहा है, कुछ इन्होंने बेच भी दी है बना के और आगे हम इसको पढ़ा भी रहे हैं। अब 90 में पढ़ रहा है, 9th क्लास में। मैं सोचता हूँ कि ये 12 तक पढ़ जाए और इसको हम आगे भेजने की कोशिश करेंगे उसके दिमाग की वजह से, क्योंकि वो अच्छा चल रहा है। पढ़ाई में कमज़ोर है पर चला हुआ है, अभी तक फेल नहीं हुआ कभी, पर चला हुआ है भाई। इधर इन गाड़ियों में ज़्यादा दिमाग लगाता है, थोड़ा पढ़ने में कम लगाता है। रात को 11-11 बजे तक यही काम करता रहता है।